स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा आज धनबाद नगर निगम में मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ यह प्रण लिया गया है कि 2024 तक धीरे धीरे स्वच्छता में धनबाद को नंबर वन पे लेके आना है। ये इन लोगों का प्रण है, आप हमारे साथ बने रहें। धीरे धीरे इतना स्पीड बढ़िएगा आगे ही ना रोड में। इधर चलना है जैसा कि आप देख सकते हैं तैयार है सब जुलूस निकालने के लिए और इन लोगों का प्रण है कि 2024 तक धनबाद को नंबर वन पे ले आना है। हो गया, चलिए चलिए यही संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं हर चीज में आगे हैं और स्वच्छता के लिए जो जिम्मेदारी है वो घर से शुरू होती है। हम घर सफा रखेंगे तो हमको बाहर भी सफा रखना है, यानी कि घर का कचरा बाहर निकालना है, तो हमें साफ सफाई सफाई को अब एक मुहिम की तरह लेना है। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इसका सीधा सा प्रभाव हमारे हेल्थ से जुड़ा है, हमारे आने वाले फ्यूचर से जुड़ा है। धन्यवाद। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ से सिटी सेंटर होते हुए वापस प्रधान कार्यालय नगर निगम में। Hey,
कुछ कार्यक्रम अभी मतलब किया गया है? ये मसाल हो रहा है और इससे यही हम लोग करना चाहते हैं कि लड़की लोग हर चीज में आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे इस तरीके से लड़की लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये इसके माध्यम से मतलब कितने क्या प्लान लिया गया कि 2024 तक? जैसे आप लोग भी देखते हो कि हर सिटीज में बहुत ज़्यादा साफ सुथरा, जैसे हमारे धनबाद में साफ सुथरा के मामले में नंबर वन रहे, और यही हम लोग चाहते हैं, प्रण लेते हैं कि अब फिर से हम लोग गंदगी नहीं फैलाएंगे, पब्लिक लोग में यही प्रण करवाएंगे। ये जागरूकता के लिए है और महिलाओं की भागीदारी के लिए ये है, और आज उन्हीं को नेतृत्व दिया गया है पूरे कार्यक्रम का। और ये हमारी जितनी महिलाएं हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर है, यही महिलाएं नहीं, जो भी हमारी मातृ हमारी जो घर की जो लीड करती है, वो सफाई का संदेश उन्हीं के द्वारा एज ए ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम एक अनुरोध कर रहा है। इस मसाल जुलूस के माध्यम से सिटी लाइफ के दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? सिटी लाइफ के दर्शकों को एक ये है कि जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी, ये सफल नहीं होगा, ये भागीदारी करनी पड़ेगी। और भागीदारी जब हम लोग करेंगे, भागीदारी लोग कर रहे हैं, तो हम लोग जीरो, जो हमारा संकल्प है जीरो डस्ट, वो हम लोग कामयाब होंगे, वो 2024 तक पूरा करना। सफाई को लेकर के क्या कुछ नए तरीके भी अपनाए जा रहे हैं? सफाई में अब टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो रहा है, और क्योंकि सफाई अब बिना टेक्नोलॉजी के सहायता से, तो विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी हम लोग दे रहे हैं, जिससे सफाई का स्पीड भी बढ़ रहा है और एयर क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है। क्योंकि जो डैशबोर्ड लगा हुआ है, उससे आपको पता चलेगा कि शहर के आधे लोगों में एयर क्वालिटी का सुधार हुआ है, और अन्य इलाकों में भी हम लोग प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ अभी थे धनबाद के नगर आयुक्त, इन्होंने कहा कि सफाई को लेकर के बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुराने तरीके ही नहीं हैं बल्कि बहुत तरह तरह के उपकरण हैं, जिससे धनबाद को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता मिलेगी। आप हमारे लाइव के साथ जुड़े रहें।